बेंगलुरु में कांग्रेस के बागी विधायकों का वीडियो हुआ वायरल। देखिए सभी विधायकों ने क्या क्या कहा, पर मध्य प्रदेश में ये कैसा संग्राम, पल पल में बदलती सियासत, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की सभी मीडिया के साथियों को बोल रहा हूँ कि अभी जो कांग्रेस के कुछ लोग बोल रहे हैं कि सभी जो 17 विधायक हैं उनमें से कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, मैं आपको बता दूं हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है और ना हम उनके संपर्क में हैं। ये अन्य जो विधायक हैं उनको बहकाने का काम किया जा रहा है। कमलनाथ सरकार गई बचेगी नहीं, सिंधिया जी के साथ में जो अन्याय उन्होंने किया है, जो एक सवा साल में उन्होंने सिंधिया जी के हाइट को कम करने की कोशिश की है, जो कुप्रयास उन्होंने किया है, उसका नतीजा है जे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के फेलुअर का नतीजा है। और हम इसका जवाब कमलनाथ जी को, कमल शीर्ष नेतृत्व को देने वाले हैं और देंगे। सवा साल में श्रीमन सिंधिया जी, जिनके बदौलत प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, ग्वालियर अंचल में 34 सीटों में से 27 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। सरकार बनाने में सिम सिंधिया जी का बहुत बड़ा रोल रहा, लेकिन सवा सालों में जिस व्यक्ति ने कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना तन मन सब लगा दिया दांव पर, उस व्यक्ति की उपेक्षा करने का काम किया गया, उसका अपमान करने का काम किया गया। निश्चित तौर पर सिंधिया जी हमारे नेता हैं और जिनके आशीर्वाद से मुझे 3 बार टिकट मिला, 2008, 2013 और 2018। आज विधायक हैं तो निश्चित तौर पर सिंधिया जी का बहुत बड़ा योगदान आशीर्वाद हमारे साथ है। तो जिनके आशीर्वाद से 3 बार मुझे टिकट मिला, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम हर फैसले में सिंधिया जी साथ रहें। से जिस तरह से मध्य प्रदेश में सिंधिया जी के नेतृत्व में युवा चेहरा लेकर सरकार बनाई थी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, पिछले एक साल से जिस तरह से सिंधिया जी को परेशान किया जा रहा था, उनकी उपेक्षा की जा रही थी, हम उससे आहत थे और इस वजह से हम अपनी स्वेच्छा से सिंधिया जी के साथ हैं, तो सिंधिया जी के साथ रहेंगे, जहां वो हैं वहीं हम रहेंगे, न किसी के दबाव में है, न हम किसी को हमको रोका है। तो प्रदेश के अंदर सिंधिया जी की बदौलत मध्य प्रदेश में सरकार बनी, उन्होंने दिनों रात मेहनत करी और हम जैसे लोगों को उन्होंने चुनाव में खड़ा किया और चुनाव भी जिताया और आम जनमानस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी पीड़ा थी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। उसके बाद में अध्यक्ष के लिए उनका नाम आया तो अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया और फिर उसके बाद में उनका लोकसभा के लिए नामांकन होना था कांग्रेस से राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए भी उनको टिकट नहीं दिया जा रहा था। तो इतना घोर अपमान लोकतंत्र में सहन करने योग्य नहीं है। अपने घर को छोड़कर जाने में दर्द होता है, लेकिन जिन लोगों ने मजबूर किया है इसके दोषी वो लोग हैं। हमने कमलनाथ जी से, मैं, रघुराज कंसाना, कमलेश ने कई इशू पर हमने कमलनाथ जी से कहा था कि आप थोड़ा झुक जाएं और सिंधिया जी से बात कर लें और सिंधिया और हमारे क्षेत्र में जो हस्तक्षेप हो रहा है, जो डॉक्टर गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह जो हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, चंबल क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में, इस हस्तक्षेप को रोकिए। 22 विधायक हैं, चूंकि ये सरकार जब से बनी, ये सरकार श्रीमंत महाराज साहब की ताकत और लोगों की भावना पे बनी। आज लोगों की भावनाएं खत्म की कांग्रेस ने, इस कारण ये स्थिति उत्पन्न की। कल से लगातार मैं टीवी में देख रहा हूं कि कोई विधायक उनके संपर्क में नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां 22 के 22 विधायक एक भी उनके संपर्क में नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। हम लोग सब सिंधिया जी के साथ हैं, महाराज के साथ हैं और महाराज ने जो निर्णय लिया है वो जनहित में लिया है, जन भावनाओं के प्रतीक लिया है। निश्चित रूप से पूरी ताकत से हम लोग महाराज के साथ हैं, जो निर्णय महाराज ने लिया है उसका हम स्वागत करते हैं, पूरी ताकत से साथ देंगे। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग कि कुछ विधायकों के पुलिस से कार्रवाइयां, कुछ उल्टी सीधी कार्रवाई करा रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं।
हम लोग कतई डरने वाले नहीं है, पूरी ताकत से महाराज के साथ हैं। आज जो मध्य प्रदेश के हालात हैं चल रहे हैं, डेढ़ साल से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 15 साल बाद जो कांग्रेस की सरकार आई थी वो श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के वजह से आई थी, और सिंधिया जी को सारे नेताओं ने जो नजरअंदाज किया था उनकी बिल्कुल किसी प्रकार की कई मानते नहीं थे, और बाकी के सिंधिया जी के जो समर्थक थे चाहे हमारे सम्मानी मंत्री जी हों चाहे हमारे सम्मानी विधायक जी हों किसी की किसी प्रकार से कोई नहीं मानते थे, और वो ये मध्य प्रदेश में करने दिखाना चाहते थे कि मध्य प्रदेश के जितने सिंधिया जी के समर्थक हैं उनको बिल्कुल कोई काम नहीं होना चाहिए। सरमंत महाराज साहब का सेवक था हूँ और हमेशा रहूंगा साथियों, क्यों तो जो लोग हमसे कह रहे हैं दबाव में इस्तीफा दिया, हम कोई के दबाव में नहीं है, हमने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, और ये सही है कम सरमंत महाराज साहब के साथ हमेशा थे और रहेंगे। ये सरकार क्यों गिरेगी उसका कारण है, सरमंत महाराज साहब के नाम पे ये सरकार मध्य प्रदेश में आई थी। हम जब भी सीएम से मिलने गए तो हमको एक ही शब्द मिलता था, चलो 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 24 घंटा तो चलो चलो ये सरकार नहीं चलती, ये सरकार जी गिर गई, हम सरमंत के साथ थे हैं रहेंगे। लोग बेंगलोर में हैं और सभी अपनी मर्जी से हैं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से हैं, और जहाँ अच्छा निर्णय लिया है महाराज ने कि हमको वे किसी जगह पे ले जा रहे हैं, अगर महाराज साहब किसी जगह पे नहीं ले जाते हम लोगों से, अगर वो कहते स्वयं, मैं अपने से खुद कहती हूँ कि कुआं में गिरना है तो कुआं में भी गिरूंगी, पर महाराज के साथ रहूंगी, जहाँ हमारे श्रीमंत महाराजा साहब हैं वहाँ इमरती देवी है, और जितने हम 22 विधायक हैं सब हंसी खुशी से हैं और सब अपनी इच्छा से हैं, और महाराज की जो अपेक्षा उनने की है कांग्रेस वालों में इतनी तो बीजेपी में भी कभी नहीं हुई थी, हमने भी 10 साल बीजेपी में रहे हैं विधायक बन करके, तो इतना बुरा हाल नहीं था जितना कमलनाथ जी ने कर दिया था।